पता है कि रमजान का महीना शुरू हो गया है, तो आज मैं आपको रमजान के बारे में कुछ बताऊंगी। इस्लाम रुकन है जिनमें से रोजा रखना एक अहम रुकन है। रोजा रमजान के महीने में रखा जाता है। रोजा रखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। रोजे का मकसद रूह को पाक करना है। रोजा रखना हम सब पर फर्ज है। रमजान का महीना अल्लाह ताला का महीना भी कहलाता है। अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए अज़ान फजर से लेकर अज़ान मगरिब तक अपने आप को बुरे कामों और खाने पीने की चीज़ों से रोकने का नाम रोज़ा है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। पहले सहरी करते हैं, फिर अजान फजर से पहले रोजे की नियत करते हैं, नमाज फजर अदा करते हैं और फिर अपने आप को खाने पीने बुरे कामों और मसलन झूठ नहीं बोलते, लोगों को तंग नहीं करते और बुरे कामों से दूर रहते हैं और अच्छे कामों में बढ़ चढ़ कर इस हिस्सा लेते हैं। सबसे पहले रोज़ा खोलने की दुआ पढ़ते हैं, फिर हुजूर से रोज़ा खोलते हैं। हुजूर से रोज़ा खोलना सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए गए अमल को हम सुन्नत कहते हैं। अरे अब आप मुझे ये बताएं कि दिन रात में हम सब मुसलमानों पर कितनी नमाजें फ़र्ज हैं? पांच नमाजों के नाम बताइए। अल्लाहुम्मा इन्नी यकसूतु यकसूतु वबिका आमन।